क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहां से आए हैं? ये अजीम कायनात, समंदर, आसमान, पहाड़, सब कुछ कैसे शुरू हुआ? आइए सुनते हैं एक कहानी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। पहले दिन जब सिर्फ अंधेरा था, खुदा की आवाज गूंजी, रोशनी हो, और रोशनी फैल गई, हर तरफ चमक और जिंदगी बढ़ गई। खुदा ने रोशनी को दिन कहा और अंधेरे को रात, और यूं वक्त का पहला हिस्सा वजूद में आया। दूसरे दिन खुदा ने जमीन के ऊपर आसमान को पैदा किया, पानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक नीचे जमीन के लिए और ऊपर आसमान के लिए। ये वही नीला आसमान है जो आज भी हमें हैरत में डाल देता है। तीसरे दिन खुदा ने आसमान और खुश्की को अलग किया, खुश्की पर दरख्त और पौधे उगने लगे, फलों से बड़े दरख्त, रंग बिरंगे फूल और सब्जा हर तरफ फैल गया। जमीन अब तक नया रूप ले चुकी थी, जैसे एक ख्वाब हकीकत में बदल दिया गया हो। चौथे दिन खुदा ने सूरज को दिन के लिए और चांद और सितारों को रात के लिए बनाया। अब वक्त का पहिया चलने लगा, दिन और रात का फर्क वाजी हो गया और आसमान सितारों के चमक से बढ़ गया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ हमारे लिए कितना हैरत अंगेज है? पांचवा दिन खुदा ने समुद्र में रंग बिरंगी मछलियां और आसमान में परिंदे पैदा किए, पानी और आसमान जिंदगी से बढ़ गए, ये दुनिया जैसे एक शानदार सा हलकारा सा बन चुकी है। छठे दिन खुदा ने जमीन पर जानवर पैदा किए और फिर अपनी सबसे अजीम तख्लीक इंसान। बाइबल कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में पैदा किया ताकि वो जमीन पर हुक्मरानी करे। सोचिए कि हम खुदा की तस्वीर हैं और हम इस हैरत अंग्रेज दुनिया के मुहाफिज हैं। सातवें दिन खुदा ने अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए और आराम किया, इसलिए इसने इस दिन को मुकद्दस करार दिया। यूं सात दिन में ये शानदार दुनिया मुकम्मल हुई। ये थी दुनिया की तखलीक की कहानी। अगर आप भी इस खूबसूरत तखलीक से मुतासर हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे मजीद इस कहानियों को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।